दुर्गा की महा उपासना नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की साधना की जाती है और माँ के हर रूप की अलग महिमा भी। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के सिर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। तो आज हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन पूजे जाने वाली माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का उपाय बताएंगे। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इनकी 10 भुजाएं और 3 आंखें हैं। 8 हाथों में खड़ बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और 2 हाथों से ये भक्तों को आशीष देती हैं। देवी का संपूर्ण शरीर दिव्य अभमय है। इनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती है। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है। देवी के घंटे के प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षसों आदि भय खाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नव दुर्गा हिंदू धर्म में माता दुर्गा या पार्वती के 9 रूपों को एक साथ कहा जाता है। इन्हें पापों के विनाशनी कहा जाता है। चलिए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का होता है। माँ चंद्रघंटा तंप साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है और ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि माँ चंद्रघंटा का कैसे करें पूजा। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा इनकी पूजा करने से शांति आती है, परिवार का कल्याण होता है। माँ पर लाल फूल चढ़ाएं, लाल सेब और गुड़ चढ़ाएं और घंटा बजाकर पूजा करें। शत्रुओं की हार होगी। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान है। इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ का आशीर्वाद पाने के लिए बताए गए मंत्र का 108 बार जाप करने से फायदा अवश्य मिलेगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेणु संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इस दिन आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं और क्या चढ़ावा करना है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत ही प्रिय है, इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। इसके अलावा माँ को सफेद चीज का भोग जैसे खीर और दूध का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ये माँ को बहुत ही पसंद है। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। चलिए अब हम आपको माँ की उपासना से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों को सतबुद्धि देने वाला है। माँ के घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया माँ चंद्रघंटा तीसरे रूप की पूजा विधि। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।